ज्वाइन कर लिया और हमने कहा नहीं, हम भी आपके साथ ही रहेंगे और हम भी इसमें शरीक होंगे। और उसी दिन हाथों हाथ ये प्रोग्राम तय हो गया और हमने यहाँ माहेश्वरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की। मैं इसी माहेश्वरी स्कूल का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो उन्होंने भी बड़ी उदारता के साथ इस हॉल को उपलब्ध करा दिया। ऐसे ही हमारे बैंकिंग पार्टनर है वो जीवन बैंक, उन्होंने इसमें स्पॉन्सरशिप दे दी और बाकी सब लोग भी आपका नाम सुनते ही सब एक साथ जुड़ते चले गए। तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा एक्चुअली, और सब कुछ अपने आप होता चला गया। मैं सिर्फ दो बातें हाउसिंग बोर्ड के बारे में बताना चाहूंगा ताकि आपको मालूम रहे कि आपकी ऑडियंस आज किस तरह की है। फिक्की फ्लो के बारे में तो आपको मुद्रिका जी ने बता ही दिया और ज्यादातर महिलाएं हैं आज फिक्की फ्लो की तरफ से, हमारा मिक्स ग्रुप है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड एक समय में बहुत ही गौरवशाली संस्था थी और ये लगभग आज से 54 साल पहले बनाई गई थी, जिसका काम था आम लोगों को मकान उपलब्ध कराना, सस्ते गुणवत्तापूर्ण मकान उपलब्ध कराना। और आज हम जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं ये जवाहर नगर है और जवाहर नगर कॉलोनी भी हाउसिंग बोर्ड की ही बसाई हुई कॉलोनी है। तो इतना गौरवशाली समय रहा हुआ था, लेकिन बाद में निजी क्षेत्र के साथ कुछ कॉम्पिटिशन होते हुए या कुछ और कारण रहे होंगे, धीरे धीरे वो बात नहीं रही जो शुरू में थी। और पिछली सरकार के समय में तो एक बार ये निर्णय हो गया था कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया जाए क्योंकि अब ये ऑर्गेनाइजेशन डिफंक्ट हो गई है। ऐसे माहौल में हमारे जो अच्छे अधिकारी कर्मचारी थे वो भी बाहर दूसरी संस्थाओं में चले गए डेपुटेशन पे, और बहुत थोड़े से लोग रह गए और सरकार की विल नहीं थी तो वो कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही नई सरकार आई, राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, उन्होंने कहा नहीं, हाउसिंग बोर्ड को रिवाइव करना है, स्ट्रेंथनिंग करना है, उसके लिए ये जिम्मेदारी हमें सौंपी गई। और मैं बहुत गर्व के साथ हमारी पूरी टीम और हम सबके प्रयासों की सराहना इस मंच पे भी करना चाहता हूं कि जो संस्था बंद होने वाली थी और उस संस्था का वार्षिक टर्नओवर केवल 118 करोड़ रुपए था, आज इस पिछले लगभग 3.5 साल की अवधि में वो वार्षिक टर्नओवर तो नहीं, सारा मिलाकर के 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर है। कहां 118 करोड़, कहां 8,500 करोड़। और हमें विरासत में लगभग 18,000 बिना बिके हुए मकान मिले थे, तो डेड स्टॉक पड़ा था, लोग लेते नहीं थे, टूट रहे थे। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो, यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा, हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती है सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।